खबर रीवा से है, जहां कलेक्टर के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने 16 विभाग की स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी अभियान चलाकर पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र तैयार कराएं। विभागीय योजनाओं के लक्ष्य से लगभग 2 गुने आवेदन पत्र बैंकों में दर्ज करें। सभी स्वरोजगार योजनाओं की 30 सितंबर तक 100% लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिन योजनाओं की ऋण और अनुदान दिया जा रहा है उनसे वास्तविक रोजगार सृजन हो। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करके अधिकतम हितग्राहियों को इससे लाभान्वित करें। कलेक्टर ने खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारी को लक्ष्य के अनुसार बैंकों में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गत 5 वर्षों में स्वीकृत प्रकरणों के संबंध में पूरा विवरण प्रस्तुत करें। अब तक केवल 31 प्रकरण स्वीकृत हुए हैं, जबकि ऋण वितरण 0 है। सभी स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरित कराएं। शहरी विकास अभिकरण की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिन नगरीय निकायों की स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति 40% से कम है, उन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करें। कलेक्टर ने ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि गत वर्ष 2165 प्रकरण आजीविका मिशन से स्वीकृत किए गए। इनमें वर्तमान में अच्छे कार्य कर रहे हितग्राहियों की फोटो सहित जानकारी प्रस्तुत करें। इस वर्ष स्वीकृत सभी प्रकरणों का 17 सितंबर तक ऋण वितरण सुनिश्चित करें। कृषि पर आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा दें। बैठक में कलेक्टर ने प्रचार शासकीय पॉलिटेक्निक को उनके कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्लेसमेंट तथा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वरोजगार के संबंध में सही जानकारी न देने पर प्रचार को नोटिस देने के निर्देश दिए। बैठक में उद्यम क्रांति योजना, स्वनिधि योजना, शहरी आजीविका मिशन तथा ITI की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जिला रोजगार अधिकारी अनिल दुबे ने स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में महाप्रबंधक उद्योग UB तिवारी, जिला प्रबंधक आजीविका मिशन अजय सिंह तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।